उठाया हमने कहाँ डाल दिया है, आज तुम्हें भी सिखाऊंगा। मगर भैया देखो, ये तुम्हारे गांव का आदमी सीखने जा रहा है, अगर सीख जाना तो इसी तरह गांव वालों को इकट्ठा कर लेना और सबको बना बना के सीख लिया। छोटे बड़े माँ बहन भैया जरा दो मिनट के लिए सब लोग इसी लाग में बैठ जाओ, क्योंकि तुम्हारे गांव का बनाने जा रहा है। लाग ना करो ना कोलिया, सब लोग लाग में बैठ जाओ भैया, थोड़ा सा कष्ट करके। अरे भैया पहली बात तो बनेगा नहीं तुम्हें, ए बच्चा हल्ला ना बचाओ भैया, पहली बात तो बनेगा नहीं क्योंकि तुम्हें कुछ आता जाता नहीं, नहीं। अगर बन जाए तो यहाँ रुकना नहीं, सीधे नंबर में चले आना, और भैया बैठे रह जाओगे तो होगा कुछ नहीं, देख यहाँ से घुसेगा सीधे जनरेटर को खराब कर देगा, बिना कानपुर इलाहाबाद के बनेगा नहीं। ठीक है जरा बैठ जाओ, बैठ जाओ, हाँ वही बैठ जाओ, और ये मिट्टी को उठा लेना ऐसे ऐसे, और कह देना बाबा बन जाए, जब बन जाएगा निकाल के दिखा देंगे दूसरे रंग का, एक का कह के बना दे, 3-0 बना देना, और बनाने के बाद सीधे नंबर में, और बैठे रह गए तो हमने पहले बता दिया, ध्यान करना। और भैया जरा उसी तरह कहो जैसे हमने कहा, कहो उसी तरह हमने कहा, उसी तरह कहना, चलो उसी तरह कहो। अरे भैया भूल गए का, अरे भूलू दर्जी है का, करो मट्टी में है नहीं आएगा, जब ज्यादा गिराओगे तो भी हो सकता है, अगली बार तो बनेगा नहीं, लाठी के चक्कर में ना रहना, ठंडी कर देगा। बाबा अगर शक्ति भक्ति तो हमारे बनाने से बन जाए, दूसरे रंग का अगर बन जाओगे तो निकाल के हम भी दिखाएंगे, कहो जल्दी से बन जाए तो निकाल के दिखाएंगे, बनाओ 3-0। आराम से खिंचाओ, घर जाते हैं आराम से घुमाओ, 3-0 माथा साइड मार, ताली बजाओ भैया, नंबर में आओ जल्दी, ताली बजाओ जरा सब लोग, भैया ये का बवाल बना के देख दिया, भागना नहीं, लाग लगी है कोई भागना नहीं, सब लोग अपने अपने लाग में है, नहीं बाबा तुम जरा बैठ जाओ, भैया बोलो ये तुमने क्या बवाल बना के देख दिया, भैया ये किसने बनाया है, देख ले कितना होशियार आदमी, सुनो पता नहीं ये सांप है कि सही लड़का हाथे घुमा रहा हो, सही हम ऐसे सबको चूतिया बनाते हैं, तो बोलो सही कब होगा, तो बोलो ये किसने बनाया, ये मट्टी किसने घुमाई, ये किसके हाथ में है, मिट्टी तुमने कहा में घुमा, तो देखो भैया होशियारी ना करो, जो हमने बनाया था हमने सबको दिखाया है कि नहीं दिखाया है, ये बनाया तुमने इसको तुम दिखाओ, ताली बजा दो भैया, देखो भैया ए बच्चों हल्ला ना मचाओ, नहीं तो कोई हल्ला मचाएगा उसी को ऊपर फेंक देंगे, हल्ला बंद हो जाएगा, पता नहीं ये सांप है कि सही लड़का हाथे घुमा रहा, सही कब होगा कि जब ये निकल के बाहर, तो देखो ना पकड़ो तुम और ना पकड़ेंगे हम, ना ये तुम्हारा दोस्त है ना हमारा भी, अरे तुम क्या या मैं क्या,
अगर ये जमाना अगर इससे चूक जाएगा और दो मिनट लगेगा और टिकट सीधा कट जाएगा। सियानों ने कहा है कि काल के बच्चे से कभी प्यार न करना, और अगर दुश्मन लाख कसम खाए तो उसकी बात का विश्वास। ये काल है जंजाल है मगर भोले शंकर के गले का। तो बोलो बाबू लोगों, ये काल है कि देवता है? क्या इसकी पूजा नहीं होती है? कब होती है? सावन के महीने में नाग पंचमी के दिन लोग क्या चढ़ाते हैं और बताशा। मगर हम किसी को नहीं कहेंगे कि इसमें दूध चढ़ाना या तो मटका। हाँ इतना जरूर कहेंगे कि दुनिया में सारे देवी देवता पत्थर के हो गए, उनकी रोज पूजा होती है, मगर ये जिंदा छत्री रंग देवता है कि जिसकी साल में एक बार पूजा ना पकड़ो तो और ना पकड़ेंगे हम झाबे में बनी जगह मार दे मंत्र निकल के बाहर आ जाए सब लोग ताली बजाओ सांप आए बाबू नहीं इसी लाग लगी वहां कहीं जाएगा नहीं जाएगा भाई ये केवल यहाँ रहेगा। और सांप देखना तो सांप बताना, अगर टायर देखना तो टायर बताना, अगर गांव के कह देंगे खिलाड़ी मजा नहीं आया तो निकालेंगे तुम्हारे गले में डाल देंगे सारा मजा तुम दे देना। आओ जरा ना ए इतना आएगा, अगर सांप को देख लेना तो हाथ को जोड़ के सर को लचा के नमस्कार कोई आदमी गुरूर भ्रमण न था। अरे कहा है कि भोले शंकर का है भेष निराला और हाथ में डमरू गले पे माला। अवघड़ दानी बाबा थे जिसको चाहा उसे आबाद कर दिया और जिसको चाहा उसे बर्बाद। आ रहा है अगर सांप को देख लेना तो हाथ को जोड़ के सर को लचा के नमस्कार। आओ जरा ना एक बार प्रेम से बोलो नागराज बाबा सब लोग जरा नमस्कार नमस्कार कर लो सब लोग। जाओ बाबा अब सब लोग बोलेगा बोलेगा कौन नहीं एक गूंगा और दूसरा बहरा। ना गूंगा बोल पाता है और ना बहरा सुन पाता है। जरा सब लोग बोलो क्या देखा है मगर मजा नहीं आया है। भैया जरा खड़े हो जाओ कह दो खेल वाले सांप को पकड़ लो हमारे गले में डाल दो ताली बजाओ इनके। भैया स्क्रीन फिट था भैया आप बहुत जल्दी खड़े हो जाते हो जरा दो मिनट बैठ के भैया नाराज नहीं होना आप लोगों के सामने ए ताली बजाते हो जरा देखो ए भैया ऐसा खेल टिकट से लग रहा है मगर आज समय की बात देहात में आ गए हैं। ए एक बात हमें याद आई कहो तो पूछ ले तुम्हारे गांव में खिलाड़ी बहुत से आते हैं कि नहीं आते और सब खेल वाले सांप दिखाया करते हैं कि नहीं दिखाते हैं। मगर ये बताओ कभी किसी खेल वाले ने ये सांप की शक्ति भी दिखाई? जरा सब लोग बोलो जोर से बोलो वो बोलो सांप ही भर देखोगे कि साथ में सांप की शक्ति भी देखोगे? जरा सब लोग बोलो अगर शक्ति को देखना है जिसका घर मकान नजदीक में हो एक ऊपर हाथ मंगाओ और एक स्टूल या टेबल मंगाओ आज सांप सांप की शक्ति इसी मैदान में मंगा दो लेके न जाएंगे वापस कर देंगे मगर जल्दी मंगाओ। हाँ अगर देखना हो तो कया कोई लेने की नहीं लाला या प्लेट ना लाओ शक्ति आएगी। स्टूल ले आओ परात लेके आओ परात। अरे भैया जरा ताली बजाओ जरा सब भैया जरा सब लोग माता लोग जरा बैठ जाओ सब लोग बैठ जाओ भैया जरा आप लोग भी अगर चरणों को कष्ट करो तो जरा बैठ जाओ दूरी ना ठाड है भैया जरा इसको बंद कर सकते हो नहीं तुम्हारा प्रचार है यार हो रहा है वो वीडियो बना रहा है। बोलो ये क्या चीज है जरा सब लोग बोलो और सही बात ये खाली है खाली है कि भरी है? खाली है। और देख लो जाएगी खाली और कहीं ना कहीं से ये भर के
क्या आएगी? शक्ति। ताली बजाओ, शक्ति आएगी। मगर भैया तुम्हारे गांव के बहुत अच्छे आदमी, जो कहे में अच्छे, जो सामान दे देते हैं कभी वापस नहीं लेते, तो अच्छा मगर वापस सही सही दिन ए, ये परात को उठाया देखो हमने कहाँ डाला है, थोड़ा गौर से देखो कहाँ डाला है। नहीं बाबा हमने तुम्हारे ऊपर नहीं फेंका है, हमने तो ढाबे में डाला है। और ज्यादा भूख लगी हो तो ये बैठा है इधर। हाँ यही है, ताली बजाओ भैया। देखो बहुत से आदमी सोच रहे हैं कि खिलाड़ी शक्ति शक्ति को कह रहा है, मगर शक्ति का नाम बता नहीं रहा है। कहो तो हम शक्ति का नाम भी बता दें, बता दें। जो गया होगा उसको मालूम होगा, जाने वाले आदमी जाया करते हैं। कहाँ जाते हैं? एक जिला झांसी पड़ता है, बोलो आप लोगों ने, सब लोगों ने सुना है कि नहीं? और झांसी के आगे जिसको हिंदू धर्म शुभ नाम से बोला करते हैं रतनगढ़। क्या बताया? रतनगढ़। किसी को मालूम वहाँ किनका दरबार है? भैया गाड़ी आ रही है, जरा छोड़ी इधर आगे आ जाओ, निकल जाने दो, निकल जाने दो भैया इनको। किसको मालूम है वहाँ किनका दरबार है बता दे भैया, जरा हल्ला ना मचाओ। एक बहुत बड़ा पहाड़ है और पहाड़ की चोटी पर एक माता दुर्गे का दरबार है। इसका बताया? एक बार फिर से बोलो दुर्गा मैया की। वहाँ तो माता के सात रूप है मगर रतनगढ़ में केवल छह रूप है। कैसे? एक तरफ सोने का है और दूसरी तरफ चांदी का है। बोल अगर आज हम अपनी सकल, आज हम अपनी भक्ति से माता को खुशी कर दें, प्रसन्न कर दें, यहाँ भी माता का आगमन हो जाए, क्या आप लोग दर्शन नहीं करेंगे? जरा सब लोग बोलो, देख लेना कितना आदमी माता दुर्गे के दर्शन पाएगा और कितना। तो ऐसे आज वही दो रूप में एक रूप माता का यहाँ भी आगमन। ताली बजा दो अब माता का। यही खेल अगर अदालत कचहरी कोतवाली जेलों में और विद्यालयों में अगर लगा देते हैं और माता दुर्गा को अगर मंगा लेते हैं तो बड़े बड़े अधिकारी और बड़े बड़े कर्मचारी अपनी कुर्सी को ढील देते हैं, जूते चप्पल को उतार के बाहर कर देते हैं, आके माता के दर्शन करते हैं, क्या चढ़ाया करते हैं? नारियल, अगरबत्ती, चुनरी, फूल। अगर नहीं होता तो 11, 21, 51, 105 चढ़ा के दान कर देते हैं और यहाँ भी किसी को मना नहीं। माता के पंडों का कहना था कि ये बेटा ये खेल को लगा देना माता पे मानने वालों पर और चाहने वालों पर। एक छोटा सा सवाल करते हैं, सवाल किन पे होता है? एक मर्द मुच्छ वाले से होगा, माता बहन चोटे वाली से होगा। इतनी बड़ी समाज में कौन कहेगा कि खेल वाले? तेरे नाम पे नहीं, माता के नाम पे हम हाथ ऊंचा करते हैं और हम माता के नाम में 11, 21 देंगे। अब हम ये देखेंगे कि कितना आदमी यहाँ माता के मानने वाला है और कितना चाहने वाला है। है भैया इधर कोई कहने वाला कि खेल वाले माता के नाम में हम हाथ ऊंचा करते हैं? है इधर कोई? देख लो चेहरे उतर गए, हाथ को ऊपर हो जाएगा आपका, हो जाएगा, लिए नहीं खड़े हो। हमें मालूम है कि कोई हाथ ऊपर करे या ना करे मगर माता के दरबार। ए भैया कहा है कि सगल पधारा जग माही वो कर्म ही नर पावत, क्या करोगे जब कर्म नहीं? देख लो माता के मानने वाला तो माता के दरबार जाता है और ना मानने वाला तो जिससे पैदा होता है उसको भी लात मार के घर से बाहर। ये गाड़ी के रखा लेने से कोई मुल्ला नहीं होता और ये पीले कपड़े पहन लेने से कोई साधु दिल को रंगना पड़ता है। हमने भी किसी ब्राह्मण साल चरण को दाबा है तब जाके इतनी बड़ी शक्ति माया है जो यहाँ तुम्हारे कुआ में रखी। आओ जरा माता, ए मासान जरा माता के दरबार जाओ, अगर माता ऊंची है तो मनाओ, अगर सोती है तो जगाओ। अगर सोने का पाजा तो सोने का लिया,
और चांदी का बाजा तो चांदी का लिया। हमने वादा किया है कि आज माता शेरावाली के सबको दर्शन कराने का। ए भैया, हमारी माता बहन नौ नौ दिन के लिए व्रत रखती है और हमारे नौजवान भाई मंडप को सजा देती है, इसलिए कहा है कि ऊपर से गिरा बम तो नीचे बरछी वाला क्या करी, और जब ये दिल में है बेईमानी तो कंठी माला नसीब वाले माता के दरबार दर्शन पाते। अरे वो आदमी है ना कि जिसको भगवान ने आस औलाद से मजबूर किया है या बिगड़े काम बनाए कभी नहीं। हम वादा करते हैं कि ये वो माता है अंधे को आंख देती है बाजिन को बालक, बोलो देवी देवता के दर्शन खड़े होते हैं कि बैठ के। जरा दो मिनट के लिए सब लोग जरा अपने अपने लाइन में खड़े हो जाए। वो माता दुर्गे के जरा और देख लेना कितना आदमी आप दर्शन पाए। आओ जरा माता, ऐसे नहीं पूरी लाख के लाख लाओ बाबा, आज मैं कलश के आओ और देख लेना कि यहाँ होशियार आदमी कितना रह जा रहा है। हर आदमी दर्शन नहीं पाता। चढ़ाने की तमन्ना है माता शेरावाली में, आदमी अपने घर भी जा सकता है, छोटे से बच्चों को भेज सकता है, वहाँ से लाके चला सकता है। भैया आप भी जरा देवी तो अच्छा देवी देवता के दर्शन भैया खड़े होते हैं। हाँ बेकार वो कोकर को उड़ा रहे हैं। हाँ अगर किसी को दिक्कत हो तो भैया बैठ के भी होते हैं, ऐसा नहीं। हाँ वो जरा बिना नहीं बाबा आराम से आओ और निकल के जरा माता दर्शन दो। भैया जरा जोर से जयकारे लगाना कि माता को मालूम हो कि मेरे भक्त मेरे नाम का जयकारा लगा रहे हैं। आओ जरा माता निकाल का बस हो गया तो निकाल। हाँ भैया अब निकाल रहे भैया, मुका कौर तो रहना की उठा लो जल्दी से पेट में चला जाएगा। हमें मैं दत्ता खाड़ी का मान जाके लग गया तो हम भी तो भैया घमाए जा रहे हैं। आओ जरा बाबा एक बार प्रेम से बोलो दुर्गा मैया की जय। आओ जरा माता और निकल के जरा दर्शन निकल मसान दे भैया। हल्ला ना मचाओ आराम से देखो दफने का था। आओ जरा बाबा ज्यादा नहीं तारीफ से नहीं धूम ना मचाओ, समाज नहीं ताली बजा दो माता के दरबार ताली बजाओ जरा दो। आओ जरा बाबा ज्यादा बड़ी शक्ति नहीं समाज नहीं छोटी शक्ति लाओ। बोलो रतनगढ़ वाली मैया की जय। अगर माता को देख लेना तो सब लोग हाथ को जोड़ के सर को लचा के नमस्कार। मनीषा और कोई आदमी गुरूर घमंड न करना। आओ जरा माता घर बैठे वहाँ रोड में बैठा होते हैं भैया। अगर माता को देख लेना ए ले ओ ये तो भाई क्यों पाला के भीतर ना थे। बाबा ज्यादा शक्ति नहीं छोटी शक्ति ताली बजा दो भैया। अब अपने अपने दर से जरा सब लोग हाथ को जोड़ के नमस्कार कर ली बड्डी। आओ सब लोग जरा भैया नमस्कार कर लो, सब लोग नमस्कार कर लो। ये लंडी भड़वे का नाच नहीं, ये माता शेरावाली का दरबार। सब लोग जरा नमस्कार कर लो। अरे कहा है कि दम दमो पर दम नहीं तो दमका लगाना छोड़ दो, और जिस सज्जन को देवी देवता में विश्वास नहीं तो फिर मंदिर का घंटा बजाना छोड़ दो। ये माता का दरबार रखा है और 5 मिनट तक माता के दर्शन होंगे। 5 मिनट के बाद ये आसन यही से लापता गुम होगा, सांप निकल के बाहर आ जाएगा, कोई 500 पर लेके आएगा उसको वापस कर देंगे दर्शन करने। अब अपने अपने दर से जिसने हाथ ऊंचा किया है या नहीं किया है, अब सब लोग आके माता दुर्गे के जरा सब लोग दर्शन। टाइम केवल 5 मिनट का है और 5 मिनट तक माता के दर्शन होंगे। या मेरी माता तेरे दरबार में छोटा बड़ा माँ बहन भैया जो भी आए जो सोच के आए उसकी मनोकामना को पूरी करना, उसके बिगड़े काम बनाना, हर मुरादे उसकी पूरी करना। नकली नकली असली असली ले ओ जरा असली देख ले। जय हो बोल असली है कि नकली असली आएगा देख प्लास्टिक का तो नहीं है।
यही आया है। अगर ये चाटेगा फूकेगा तो प्रसाद देता हूँ, नहीं देता नहीं। और दूसरी बार पूछता हूँ तिबारा नहीं। चल बाबा आए हो जरा चाट दो और फूंक दो, दुआ में दुआ कर दो। छोटा बड़ा माँ बहन भैया जो भी तेरे प्रसाद को ले जाए, जाते मनोकामना को पूरी करना, बिगड़े काम बनाना। देख क्या कर रहा है, चाटा है फूका है, इससे ज्यादा यकीन नहीं देता। और फिर मैं कोई हनुमान देवता नहीं किसी ने और राम सीता का दर्शन। अब अगर जिसको जिसको लेना है तो अपने अपने दर से हाथ को ऊंचा करके ये प्रसाद को मांग सकते हो, दिया जाए किसी को। ज्यादा नहीं, एक दो आदमी ले जाके केवल अजमाइश करो, दिया जाए प्रसाद किसी को। कली आपा में पड़ा है तो सांप काटेगा नहीं, उसी दिन 31 रुपया माँ का दूध बन के तर जाएगा, जब ऐसे काल से जीवन बचा देंगे। 31 रुपया क्या होता है, चल जरा बाबा बाबा जरा एक बार और चाट दे और भैया किसी को दिया जाए, इसको छोटा बड़ा मान भैया सब लोग मान सकते हैं, दिया जाए किसी को, दिया जाए। जाओ बाबा जरा इनको भी ले जाओ, एक खबीज को जिसके बड़े बड़े दान वो बड़े बड़े बात। जाओ बाबा जरा एक बार प्रेम से बोलो दुर्गा मैया, ताली बजाओ जरा दो, ताली बजाओ जरा। आओ जरा बाबा, हमारा सामान हमें अपना सब ले जाओ। वही देख लिए थे ढंग से, सांपों में देख लिए। आओ जरा बाबा खबीज, ए भैया देखो खबीज आ रहा, कोई आदमी भागना नहीं। बोल भैया कितनी देर से हमारा खेल है, हमारे तुम्हारा एक घंटा, बोलो एक घंटे से हमने किसी से कुछ मांगा है, मगर अब मांगेंगे, अब कोई आदमी भागना नहीं। रुपया दो रुपया पांच रुपया दस रुपया अगर लिए खड़े हो है तो नंबर बोलूंगा, एक निकाल लेना और दो नंबर में झाबे में फेंक देना। अगर नहीं फेंकोगे कांचा पर्दा बाहर कर देंगे, आएगा खबीज सारा सकल लड़के का और इतने सुपर बाबा खबीज का, जिसके मुंह में इतना सुल्तान और इतना इतना बावल, वो सबके पास जाएगा, सबके पास। भैया भागो नहीं, जरा बैठ जाओ माता जी, अभी जाना नहीं कोई, सब लोग भैया लेंगे नहीं तो खाएंगे का। सुन ले खून खच्चर न कंजर नहीं, खून खच्चर दिखाऊंगा सारा सकल लड़के का और इतने सुपर बाबा खबीज का, कोई नहीं डराएगा, कोई नहीं डराएगा, जाएगा सब आदमी। आओ जरा निकल के बाहर आओ, तो सब लोग अपने अपने घर जाना, एक से दो से गल्ला, रुपया दो रुपया पाँच रुपया दस रुपया अगर है तो निकाल ले, तो दो नंबर में फेंक दे, तो नहीं दौड़ के लपट जाए तो फिर नहीं कहना कि खिलाड़ी का पाया नहीं। आओ जरा बाबा निकाल ले जल्दी बाजी में, हाँ डाल देना जल्दी से। आओ जरा बाबा, वो नंबर हो गया दो, फेंक दे किसके किसके पास, सब लोग फेंक दे। आओ जरा बाबा निकल के, हाँ आओ फेंक दे जल्दी बाजी में किसके किसके पास। ए बाबा लेजे को हटा देते हो, केवल बाल टांगता नहीं, बच्चे घबराएंगे। आओ जरा, आओ जरा बाबा ले जरा देख ले, अब कोई आदमी भाग नहीं है बाबा, केवल टांगता बाबा भेज जरा। हाँ वही खबी, इसको नंबर बोलूंगा एक, कोई बात नहीं, नंबर दो में हाथ को ऊपर कर लेना और नंबर तीन में ताली बजाना, लड़के को आराम मिलेगा। ट्रेनी नंबर हो गया एक और नंबर हो गया दो, सब लोग जरा हाथ ऊपर कर लेना, और नंबर हो गया तीन जरा ताली बजाओ, ताली बजाओ जरा, ताली बजाओ, ताली बजाओ जरा। बाबा ये शहर बाजार नहीं है, ये है बिहार, सब लोग घर जाएंगे,
जी एक शेर दो शेर चावल लेके आए बाबा आवाज करा तू जरा भगवान ने मुंह दिया जरा सब लोग जोर से बोलना बोलो एक शेर दो शेर गल्ला मिलेगा कि नहीं जरा सब लोग बोलो और सुन लो जो आदमी एक शेर दो शेर गल्ला देने में भूल जाएगा ये